हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब? गाइस आज की जो वीडियो होने वाली काफी मस्त होने वाली, क्योंकि गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे खड़ी है बर्गमैन। गाइस इसमें काफी सारी चीजें हमने चेंजेस करवाए थे, मतलब अपने मन की, लेकिन यार एक जो कंपनी की चीज आती है वो हमें पसंद नहीं आई। जैसे कि आपने देखा होगा कि यार जो हॉर्न होता है ना गाड़ी में काफी ज्यादा यूज आता है हमारे, तो वो चीज थोड़ी सी हमको पसंद नहीं आ रही है। मतलब काफी लाइट हॉर्न है इसका, थोड़ा ज्यादा लाउड होता थोड़ा अच्छा होता तो वो ज्यादा बढ़िया रहता। तो आज की इस वीडियो में हमने सोचा क्यों ना इसका हॉर्न अपडेट करके आपको दिखाएं। अगर आपके पास कोई भी बाइक स्कूटी है जिसमें हॉर्न अच्छा नहीं है तो उसको कैसे ज्यादा इंप्रूव करा जाए वो चीज हम दिखाने वाले हैं। तो सर का एक्सपीरियंस लेते हैं। तो सर वैसे कैसा एक्सपीरियंस आता है जब आप इसको मार्केट में जाते हैं? बहुत बेकार आता है, मतलब पतला वाला हॉर्न, मतलब जैसे जितना बड़ा साइज है ना इसका उस हिसाब से हॉर्न इसका बड़ा रद्दी है। ये बात तो सही कह रहे हैं सर, क्योंकि हम जैसे देखते हैं तो हल्का ही है, मतलब मार्केट में मजा नहीं आता। इसके बदले अगर हम एंटॉर्क का देखें ना सर, हाँ उसमें थोड़ा मोटा है, बहुत अच्छा हॉर्न है। So, इसका हॉर्न उतना खास नहीं है, तो हमने सोचा कि यार अपग्रेड करा लेते हैं आप थोड़ा। सही बात है ना? उसमें वैसे हमने पहले भी अपडेट करवाया है लेकिन वो आवाज मैच नहीं कर रही है, मैच नहीं कर रही हो, तो मजा सा नहीं आ रहा है कुछ। तो ऐसा चाहिए कि दोनों हॉर्न एक साथ बजे और अच्छी लाउडनेस दे, थोड़ा अच्छी क्वालिटी भी लगे, क्वालिटी भी लगे कि आप बढ़िया है। तो अभी मार्केट में हम जा रहे हैं और वहाँ जाके इसमें अपडेट करवाएंगे और कौन सा ब्रांड का लगवाएंगे, कितने का कॉस्ट पड़ता है वो सारी चीज हम बताएंगे सर। सारी डिटेल मिल जाएगी। तो अभी एक बार सर सुना के दिखा दीजिए कैसा आ रहा है अभी, कैसा है ये देखिए। काफी पतला सा हॉर्न है, बहुत बेकार हॉर्न है। तो ये वीडियो हम इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि अधिकतर अगर आप देखेंगे 100 सीसी, 110 सीसी, 125 सीसी या 150 सीसी में भी अगर आप बाइक स्कूटी देखते हैं तो उनमें क्या होता है कि हॉर्न काफी पतला आता है। अब हम भी इसलिए बदला रहे हैं कि अच्छा हो जाए, और वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हॉर्न कितना इम्प्रूव हो सकता है, कितना इम्प्रूव हो सकता है, और कौन से ब्रांड का लगाएं और किस तरीके का लगाएं कि जिससे अच्छी साउंड आए। साउंड अच्छा है, और हम प्रेशर वाला नहीं लगाएंगे, प्रेशर वाला तो नहीं लगाएंगे, लगाएंगे नॉर्मली। सही बात, नॉर्मली लगाएंगे, बस ये कि डबल साउंड दे, अच्छा साउंड दे, अच्छा साउंड, क्वालिटी वाला साउंड आए। जैसे गाइस मेरा को जो सबसे बेस्ट लगता है ना वो पल्सर का लगता है, पल्सर 180 का। वैसे मैं डाल दूंगा इसमें बीच में साउंड, आप सुन लेना एक बार सुन लीजिएगा उस तरीके का। हम सोचेंगे खोजेंगे कि हमें मिल जाए, कि देखते हैं मार्केट में जाके हमें क्या ऑप्शन मिलता है, बाकी प्राइस वगैरह भी बता देंगे हम। बाकी गाइस बालों को थोड़ा अवॉइड करिएगा क्योंकि हेलमेट पहनता भी हम चल के आ रहे हैं। तो हमने सोचा पहले एक बार ले लेते हैं, फिर सीधे शॉप में मिलेंगे, शॉप पे मिलेंगे। तो चले सर मार्केट की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो चलिए गाइस आपसे भी वहीं मिलते हैं। और दबाने से आ रही होगी ना आवाज़ तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं आपको पहले हमारा दूसरा हॉर्न जो था नीचे था, इस वजह से साउंड नहीं दे रहा। अब भैया इसको दोनों को एडजस्ट ऊपर ही कर रहे हैं, तो ऊपर एडजस्ट होने के बाद ये साउंड अच्छा देगा ये भैया बोल रहे हैं। अभी देखते हैं साउंड चेक करके कि किस तरीके आ रहा है, क्योंकि अभी हमने खुले में दिखाया था काफ़ी बढ़िया बज रहा था, तो हमारे दो पहले से लगे हैं तो हो सकता है इसी में काम हो जाए। अच्छी साउंड आएगी तो वो भी हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। गाइस आप सुन सकते हैं साउंड काफी बढ़िया हो गया, क्योंकि ये दोनों सामने लगा देना तो इस वजह से बढ़िया आ रहा है, नहीं तो एक वाला नीचे था एक ऊपर था, साउंड अच्छा नहीं आ रहा था। तो अभी मैं आपको शांति लागे में जाके सुनाऊंगा किस तरीके की आ रही है, तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं क्योंकि नया हमने नहीं लगाया, मैनेजमेंट करने के बाद भी ये सही हो गया। सो गाइस फाइनली आज हम आ गए हैं दूसरे दिन, कल हम काफी ज्यादा बिजी हो गए थे इस वजह से हमने वहां तक तो आपको दिखाया प्रोसेस, बस एंड की प्रोसेस जो बची थी जो पैक होने के बाद हमने आपको साउंड सुनाई थी वो दिखानी बची है। तो सर वैसे आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी की? क्योंकि हमारे पास दो हॉर्न पहले से थे एडजस्टमेंट गलत हो रहे थे, एडजस्टमेंट गलत हो रहा था उनका। ये भी आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपके पास दो हैं दो नहीं है तो आप दो लगा सकते हैं, बट अगर दो हैं पहले से तो उनको क्या है वो जैसे हमने सीक्वेंस में दिखाया था ना आपको साथ साथ ही लगाने वाले हैं तो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। और उससे ना एक एडवांटेज और है, जैसे चलान वलान में ना आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो ऐसा फील हो रहा ना वहाँ पे कि यार वो कंपनी फिटेड ही है ना, क्योंकि डुअल तो मैक्सिमम बाइकों में आती है। सही बात है ना, तो क्या है कि इतना मैसिव स्कूटर है, अगर आप मे भी पुलिस वाले कहते हैं यार इसमें प्रेशर हॉर्न तो नहीं है, तो आप उस समय पे बोल सकते हैं कि यार देखिए ये तो कंपनी फिटेड ही है ना। सही बात है, और बहुत हमने जो लगाए हैं वो वैसे भी बेसिक वाले ही है, लीगल वाले ही हैं, तो उसमें दिक्कत ऐसी कुछ नहीं है। बाजे वाले या कुछ और वो वाले तो फिर वो लीगली हो जाते हैं, भले एक लगाओ चार लगाओ। सही बात, और
इसके अंदर ही फिट है, वैसे बाकी आपने देख ही लिया है। हाँ। तो सर साउंड सुना दे फिर किस बिल्कुल, तरीके बिल्कुल, और एक चीज मैं आपको और बता दूं सर, जो हमको वैसे जेनुअनली पता चला कि स्कूटर होना और बाइक में क्या अंतर है थोड़ा सा। हाँ, 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 हाँ। अब इसमें क्या है ना, जैसे हमने खुले में आपको साउंड सुनाया था उससे थोड़ा सा आपको डिफरेंट अभी लगेगा। हाँ, लगेगा, लगेगा। उसका फर्क इसलिए क्योंकि हमने उस टाइम ये वाला जो वाला पैनल जो था निकला था ये ओपन हुआ था, तो साउंड बड़ी खुल के आ रही थी। खुल के आ रही थी। क्या है कि पैनल बंद हो गया तो साउंड हल्की सी तो दबरी है, दबरी है। और बाइक में क्या होता है, बाइक में पूरे खुले होते हैं, के बगल में लगता है खुले होते ओपन में बसते हैं, साउंड फेंकते खुली साउंड फेंकते हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंस आएगा। बाकी आपके पास स्कूटर है तो ये डिफरेंस तो रहने ही वाला है। हाँ, रहने वाला ही है। तो चलिए आप साउंड सुना देते हैं। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके का साउंड इसमें आ रहा है, मतलब तो साउंड आपने देख लिया होगा किस तरीके का आ रहा है, मतलब पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया क्योंकि पहले एक हॉर्न ऊपर था एक हॉर्न नीचे था, तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंट साउंड आ रहा था, मतलब दो साउंड दो हॉर्न बज रहे हैं, ये वाला साउंड आ रहा है, मतलब ये तीसरा अपग्रेडेशन के बाद ये इस तरीके का आवाज आ रही है, इस तरीके है ना? आ रही है। पहली वाली बिल्कुल बेकार थी, दूसरा वाला में हॉर्न नीचे लग गया था तो मजा ही नहीं आ रहा था बिल्कुल, अब जाके तीसरी बार में ये बढ़िया हो रहा है। तो सर अब लग रहा है कि मतलब आगे वाली गाड़ी को हम बिल्कुल 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 मस्त करके एक बार राइड लेके दिखाते हैं हम आपको। और आप देखिए गाइस यहीं पे कर रहे हैं, आप ये मत जज करिएगा कि हेलमेट नहीं लगाया करके ना, मैं वहां से आऊंगा मैं बताते आऊंगा। सर साउंड तो काफी ज्यादा जबरदस्त आ रहा है, मतलब सही में रियलिटी जो मैंने रिफ्लेक्शन आ रहा होगा इधर से। हाँ, जो मैंने रियल में सुना ना, मतलब काफी जबरदस्त साउंड आ रहा था यार, सही आ रहा है ना, मतलब लग रहा है कि बहुत ज्यादा हैवी साउंड हो गया है, हो गया है। हाँ, तो वही है, मतलब यार आप साइज देखिए ना सर। हाँ, मेन तो साइज यार, इतना बल्कि स्कूटर है तो मजा नहीं आता ना वो हॉर्न में, साइज के हिसाब से मैं नहीं कर रहा था वो वाला, तो इंप्रूवमेंट कराने की बहुत जरूरत पड़ी थी। सही है, अब तो इंप्रूवमेंट हो गया, काफी बढ़िया हो गया। गाइस बर्गमैन है तो करवा लीजिएगा, करवा लीजिएगा, एक ओरिजिनल ही रहेगा, बस एक ही हॉर्न खरीदने की जरूरत है। सही बात है, क्योंकि एक कंपनी का ही है, दूसरा एक्स्ट्रा लगवाना है। हाँ, और साथ साथ ही लगाने हैं बस। हाँ, साथ साथ लगाने, और कोई जुगाड़ नहीं है, और कोई जुगाड़ नहीं है, हॉर्न हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। तो यही था सर इस वीडियो में, यही था, और सर ने भी आपको अपना बता दिया कि इस तरीके का एक्सपीरियंस था और साउंड आपको सुनाई दिया भी चलते फिरते। तो ये सारी चीजें थी इस वीडियो के अंदर, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हम मिलते हैं आपसे ऐसी नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।